आज हम आपकी JBT की चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की Unit 1 पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंट शुरू करने जा रहे हैं। तो बुक में तो ये थोड़ी बड़ी है, तो इसको हम नोट से कंटिन्यू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? मीनिंग ऑफ ग्रोथ। बाय ग्रोथ वी मीन फिजिकल चेंजेस। ग्रोथ का मतलब है फिजिकल चेंजेस, बाहर के जो चेंज आते हैं, ठीक है। द चेंज दैट टेक प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी आर नोन एज ग्रोथ। जो किसी भी चेंज जो है हमारी बॉडी के पार्ट में होता है उसे हम ग्रोथ कहते हैं। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। द ओवरऑल चेंजेस दैट कम अबाउट इन द चाइल्ड आर कॉल्ड डेवलपमेंट। इसमें जो है फिजिकल चेंज और साथ ही साथ भौतिक जो है हमारी बुद्धि का विकास भी, वो भी शामिल होता है, ठीक है। डेवलपमेंट डज नॉट रिजल्ट ओनली इन द ग्रोथ ऑफ द साइज ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स एंड फीट। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसके हाथ और पांव की ही ग्रोथ हो, बट आल्सो बिटोकन्स देयर एफिशिएंट वर्कबिलिटी एंड फंक्शन। इसमें जो है वर्कबिलिटी और फंक्शन भी इंक्लूड होता है डेवलपमेंट में, और ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ उनके ग्रोथ, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है? ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव है, ये सिर्फ साइज से मैटर करेगी, नंबर से मैटर करेगी, काइंड से मैटर करेगी, पोजीशन से, वेट से, ठीक है, एक्सेप्ट्रा। और डेवलपमेंट जो है उसकी क्वालिटी भी मैटर करती है डेवलपमेंट में, ठीक है। फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, ठीक है, ये सारे चेंजेस भी डेवलपमेंट में इंक्लूड होते हैं। इसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में क्या है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट जो है जिंदगी भर चलने वाला, जिंदगी के अंत तक चलने वाला प्रोसेस है, ठीक है। एंड गोज़ ऑन नॉन स्टॉप, कभी रुकता नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल द फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज़ ऑफ द चाइल्ड डोंट डिवेलप ऑल ऑफ अ सडन। फिजिकल और मेंटल जो उसकी बुद्धि की और शारीरिक विकास है, इन सब की क्वालिटीज़ जो है एकदम से नहीं आ जाती। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। डेवलपमेंट जो है एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करती है, जैसे जो है मिल्क टी चाइल्ड के पहले आएंगे और वो झड़ेंगे, उसके बाद जो है दूसरे वाले टीथ आएंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। हर एक किसी की डेवलपमेंट में जो है एक इंडिविजुअल फ़र्क तो होता ही है, ठीक है। जैसे जो है दो बच्चों जो जुड़वा हैं उनमें भी फ़र्क होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो है डेवलपमेंट पर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का फ़र्क भी पड़ता है। वेरियस स्टडीज हैव प्रूव्ड दैट हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट डेफिनेटली अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। द अफेक्ट ऑफ बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी सेपरेटेड। हेरिडिटी जो उसके जीन्स होते हैं और इन्वायरमेंट इन दोनों का फ़र्क जो है वातावरण और जीन्स का नहीं रोका जा सकता, ठीक है। हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज द फाउंडेशन ऑफ द चाइल्ड्स पर्सनैलिटी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी अकर्स एज अ होल, ठीक है। और द डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी गोज ऑन अकरिंग साइमल्टेनियसली। डेवलपमेंट जो है टोटल डेवलपमेंट एक साथ होता है, जैसे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ये सब डेवलपमेंट, ये नहीं कि पहले फिजिकल हो जाएगा फिर उसके बाद मेंटल होगा, ये सब डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली एक साथ चलते हैं, ठीक है। और फिर प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग क्या कहती है? मैचुरेशन अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैचुरेशन एक प्रोसेस है जो 25 साल तक चलता है, ये जो है
अफेक्ट्स करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी, ठीक है। एंड दीज अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट द लर्निंग, और जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है लर्निंग के प्रोसेस को भी अफेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ अ चाइल्ड इज़ मोटिवेटेड टू लर्न सम टास्क, अगर मान ली बच्चा जो है मोटिवेट हो जाएगा किसी चीज़ को लर्न करने के लिए, बट फॉर दैट टास्क द चाइल्ड्स फिज़िकल डेवलपमेंट इज़ नॉट सफिशियंट, अगर उस टास्क को करने के लिए उसका जो है शारीरिक विकास नहीं हुआ पड़ा, देन द चाइल्ड वुड बी अनेबल टू लर्न दैट टास्क, तो बच्चा वो वाला काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन क्या कहती है, द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड फॉलोज एन ऑर्डरली पैटर्न, बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो एक पैटर्न फॉलो करती है, जैसे दिस पैटर्न इज़ ऑफ टू काइंड, ये दो काइंड की पैटर्न होती है, सिफेलो स्केड्यूल सीक्वेंस, ये कौन सी पैटर्न है, इन सिंपल वर्ड्स दिस मीन्स दैट द बॉडी पार्ट्स फार्दर फ्रॉम द हेड डेवलप्स लेटर। सिफेलो स्केड्यूल सीक्वेंस में ये कहती है कि बॉडी के जो है पार्ट्स जो दूर लगे हुए हैं किससे, हेड से, वो जो है बाद में डेवलप होंगे, ठीक है, आसपास के हेड के आसपास के पहले होंगे डेवलप, ठीक है। प्रोक्सीमो डिस्टल सीक्वेंस कहती है दिस मींस दैट द डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से शुरू होगा डेवलपमेंट टू द पेरिफेरल एरियाज ऑफ द बॉडी, और पेरिफेरल एरियाज ऑफ द बॉडी तक चला जाएगा डेवलपमेंट। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेट ऑफ जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वेरी वेरी करता है, ठीक है। ये कैसे करता है, वेरीज ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस द रेट ऑफ द फिजिकल ग्रोथ इज फास्टर, शुरुआती दौर में जो है फिजिकल ग्रोथ जो है फास्टर होती है, छोटे बच्चों की ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होती है, उसके बाद बट स्लोज डाउन लेटर ऑन, धीरे धीरे ये ग्रोथ जो है कम होना शुरू हो जाती है, बट द क्वालिटेटिव डेवलपमेंट कंटिन्यूज, लेकिन डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता रहता है। और प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है प्रिडिक्ट भी करा जा सकता है, इट हैज़ बीन प्रूव्ड बाय स्टडी से बताया गया है कि द डेवलपमेंट कैन बी प्रडिक्टिड, जो है पहले से अंदेशा करा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ पॉसिबल टू प्रडिक्ट द चाइल्ड्स इंटेलिजेंस, बच्चे की जो है बुद्धि, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ को पहले से हम प्रडिक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, तो डेवलपमेंट जो है पहले जनरल चीज़ों का होगा फिर स्पेसिफिक चीज़ों का होगा, जैसे जो है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द चाइल्ड लर्न्स इनिशियली जनरल बिहेवियर, पहले जो है बच्चा जनरल बिहेवियर लर्न करेगा, देन ग्रेजुअली दैट जनरल बिहेवियर एडवांस होके टुवार्ड्स स्पेसिफिसिटी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल द चाइल्ड लर्न्स इनिशियली द जनरल वर्ड्स, पहले जो है जनरल वर्ड सीखेगा, आम वर्ड सीखेगा, देन ही लर्न्स स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट, और फिर वो लैंग्वेज के स्पेसिफिक हर एक अल्फ़ाबेट को सीख जाएगा। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ये क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द चाइल्ड फर्स्ट लर्न्स द यूज़ ऑफ द वोल ऑर्गन, इस प्रिंसिपल के अनुसार चाइल्ड जो है सबसे पहले पूरे ऑर्गन का वर्क सीखेगा, देन हीज स्पेसिफिक पार्ट, फिर जो है उसके हर एक ऑर्गन के हर एक पार्ट का यूज़ सीखेगा, जैसे जो है चाइल्ड क्या करेगा पहले हाथ को चलाना सीखेगा, ठीक है, फिर जो है धीरे धीरे हाथ की उंगलियों, देन ही मूव्स हिज फिंगर्स, और फिर उसको फिंगर्स मूव करना आ जाएगा, फिर क्या करेगा देन इंटीग्रेट्स द मूव्स ऑफ द इंटायर हैंड्स एंड फिंगर्स, और प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन के अनुसार फिर वो एंटायर हैंड पूरे हाथ और उंगलियों का दोनों का प्रयोग कर सकेगा। प्रिंसिपल ऑफ कुमलेशन
एंड रिकैपिचुलेशन। प्रिंसिपल ऑफ कुमुलेशन और रिकैपिचुलेशन क्या कहती है, डेवलपमेंट इज कुमुलेटिव है, डेवलपमेंट कुमुलेटिव है, द एट्रीब्यूट्स ऑफ वन स्टेज आर ट्रांसफर्ड इनटू अनदर स्टेज, जो एक स्टेज पर हमने सीखा है वो दूसरे स्टेज पर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल द सेल्फ लव ड्यूरिंग इन्फेंसी, कि हम खुद से प्यार करते हैं अगर बच्चा करता है इन्फेंसी में, ठीक है, चाइल्डहुड स्टेज में, कैन बी सीन इन एडोलेसेंस आल्सो, ठीक है, तो इसका यही प्यार एडोलेसेंस जब वो मैच्योर हो जाएगा उस स्टेज में भी देखा जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल, ठीक है, ये क्या कहती है, स्मॉल चिल्ड्रन डिपेंड्स ऑन अदर्स, स्मॉल छोटे बच्चे जो है दूसरों पर डिपेंड करते हैं, फॉर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स के लिए, एज़ दे ग्रो अप, जैसे वो ग्रो हो जाते हैं बड़े हो जाते हैं, देयर ओन वैल्यू सिस्टम, फिर जो है उनके ही अपने ही वैल्यू और सिस्टम बन जाते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस, उनको जो है खुद की समझ आ जाती है, और उसके बाद एंड देयर ओन सेट एज अ ग्रुप ऑफ इंटरनल कंट्रोल डेवलप्स, और उनके अंदर खुद का जो है अंदरूनी कंट्रोल आ जाता है। पहले वो आउटर कंट्रोल हो जाते हैं, बाहर वाले लोगों ने कंट्रोल करते हैं, फिर उनके अंदर धीरे धीरे इनर कंट्रोल मतलब खुद का कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल टू थिंक फ्रॉम कंसर्ट टू अब्स्ट्रैक्ट, चाइल्ड जो है कंसर्ट से अब्स्ट्रैक्ट की ओर सोचता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल चाइल्ड ट्राइज टू अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट, इस प्रिंसिपल के अनुसार बच्चा जो है अंडरस्टैंड समझने की कोशिश करता है कारणों को, ठीक है, और प्रभावों को। ही थिंक्स अबाउट द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम कंसर्ट टू अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर इज ए कोरिलेशन, वह एक रिलेशन सा हो जाता है, इन द वेरियस डिमेंशंस ऑफ द चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक कोरिलेशन बन जाता है। ए चाइल्ड हु इज़ फिज़िकली हैंडीकैप्ड, अगर बच्चा जो है शरीर से विकलांग है, विल आल्सो बी सोशली हैंडीकैप्ड, ये कहता है कि एक चीज़ का रिलेशन दूसरी चीज़ से फॉर्म हो जाता है, अगर बच्चा शरीर से विकलांग है तो वो समाज में भी विकलांग कहलाएगा, ठीक है। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल का डेवलपमेंट अलग अलग हो जाता है, शुरुआती दौर में एक होता है, बाद में अलग अलग हो जाता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो है पढ़ाई में हम एजुकेशन में कैसे इम्प्लीकेशन कर सकते हैं, इम्प्लाई कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द नॉलेज इज़ वेरी हेल्पफुल है फॉर टीचर्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये वाली जो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की नॉलेज है ये टीचर्स के लिए जरूरी है, क्यों जरूरी है, ताकि वो बच्चे की स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझ पाएँ, ठीक है। द नॉलेज इज़ आल्सो हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, टीचर को पता लग जाएगा कि हर एक किसी का डेवलपमेंट एक जैसा नहीं है, हर एक चाइल्ड का डेवलपमेंट एक जैसा नहीं है, उसके डेवलपमेंट को वो समझ पाएगा। इसके बाद है द टीचर कैन प्रोवाइड ए फ्री इन्वायरमेंट टू द स्टूडेंट, टीचर जो है बच्चे को एक अच्छा वातावरण प्रोवाइड कर पाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स, अगर उसे प्रिंसिपल के नॉलेज होंगे, ठीक है। द टीचर कैन प्रेडिक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट, टीचर जो है बच्चे की समझने की क्षमता को पहचान पाएगा, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट जो है फिजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, जो गर्भ में इन्वायरमेंट होता है मदर की
वो भी फिज़िकल डेवलपमेंट को बच्चे के अफेक्ट करता है। ठीक है, फिज़िकल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग इन द नीड एंड प्रॉपर इन्वायरमेंट इज़ वेरी फास्ट। ठीक है, फिज़िकल डेवलपमेंट जो है, शारीरिक विकास बच्चे का जो साफ़ सुथरे वातावरण में जा रहा है, जी रहा है, उसे जो है बहुत अच्छा विकास होता है। ठीक है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है लव एंड अफेक्शन। ठीक है, प्यार और स्नेह का भी फ़र्क पड़ता है फिज़िकल डेवलपमेंट पर। ठीक है, इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लव एंड अफेक्शन, अगर प्यार और स्नेह नहीं देंगे इन द फैमिली से तो ही रिमेंस डिस्टर्ब, तो उसका मेंटल डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, विच रिजल्ट्स इनटू अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट, जिससे जो है अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट, उसका फिज़िकल डेवलपमेंट भी अनबैलेंस हो जाएगा। इसके बाद है प्ले एंड एक्सरसाइज, अगर खेलेगा कूदेगा नहीं तो उसका जो है फिज़िकल डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, स्लीप एंड रेस्ट, स्लीप सोना और नींद जो है, और जो है आराम, अगर उसे नहीं मिलेगा प्रॉपर नींद और आराम नहीं मिलेगा तो उसका जो है फिज़िकल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसकी अच्छी हेल्थ भी नहीं हो पाएगी। इसके बाद है फूड, फूड किस कैसे इफ़ेक्ट करेगा फॉर द टोटल फिज़िकल डेवलपमेंट, जो है पूरे पूर्ण शारीरिक विकास के लिए बच्चे के जो है रिच डाइट, अच्छा भोजन और जो है अच्छा डाइट उसको मिलना जरूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ रेगुलरिटी, जो है प्रैक्टिस ऑफ रेगुलरिटी उसका मतलब है नियम पालन, नियम पालन का मतलब है समय पर सब कुछ, नींद, समय पर खाना, समय पर पढ़ाई और समय पर उसका शारीरिक विकास खेलने के लिए जो है ज़रूरी है। ठीक है, सिक्योरिटी, बच्चे को जो है फैमिली के वातावरण में रहना चाहिए। ठीक है, बच्चा जिससे जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यही सिक्योरिटी होती है बच्चे के लिए। ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, अंदरूनी फैक्टर्स, जैसे जो है हेरिडिटी, हेरिडिटी मतलब जो है जीन्स उस बच्चे के फिज़िकल डेवलपमेंट पर भी प्रभाव करते हैं। ठीक है, इसके बाद है मेंटल डेवलपमेंट फैक्टर्स, जो है मेंटल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। मेंटल डेवलपमेंट का मतलब क्या है पहले ये जानते हैं। मेंटल डेवलपमेंट का मतलब होता है बाय मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट बुद्धि के विकास से हम समझते हैं, वी मीन द डेवलपमेंट ऑफ जो है लैंग्वेज, लैंग्वेज का डेवलपमेंट, जो भाषा का, इंटरेस्ट का, ठीक है, पावर का ऑफ मेमोरी, मेमोरी की पावर का डेवलपमेंट, इमेजिनेशन पावर का डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग, सूझबूझ का डेवलपमेंट, रीजनिंग का डेवलपमेंट, ठीक है, थिंकिंग, सोचने का डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट, सेंसेशन का डेवलपमेंट और परसेप्शन और प्रॉब्लम सॉल्विंग का डेवलपमेंट, ये सब जो है मेंटल डेवलपमेंट का अंदर आते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इज़ अफेक्टेड बाय, मेंटल डेवलपमेंट किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट हो जाता है, मेंटल डेवलपमेंट अफेक्ट हो जाता है अंडर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी, जो है बच्चे को इन्फेंसी मतलब जो है इन्फेंसी जो चाइल्डहुड स्टेज होती है, ठीक है, उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाना। ठीक है, ड्यूरिंग फैटल पीरियड, फैटल पीरियड जो है उसमें फैटल गर्भाशय वाले पीरियड में, ठीक है, द ग्रोथ स्पर्ट फॉर द ब्रेन इज़ मैक्सिमम, इस पीरियड में जो है बुद्धि की ग्रोथ जो है मैक्सिमम होती है। ड्यूरिंग द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन इफ़ द चाइल्ड इज़ केप्ट अंडर न्यूट्रिशन, अगर इस वाली डेवलपमेंट स्टेज में उस बच्चे को जो है न्यूट्रिशन जो है नहीं मिला एंड अनबैलेंस्ड डाइट जो है डाइट नहीं मिली, देन द प्रैक्टिस गिव्स राइज टू मैनी मेंटल डिसऑर्डर, इससे जो है बच्चे में मेंटल डिसऑर्डर, दिमाग में कमियां उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, दिमागी रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन, पेरेंट से जो है चाइल्ड का किस प्रकार का इंट्रैक्शन है, ये भी बच्चे के जो है मेंटल डेवलपमेंट को प्रभाव करता है। जैसे द मेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ चिल्ड्रन आर अफेक्टेड बाय देयर पेरेंट्स, मेंटल के जो भी फैक्टर्स होते हैं
वो बच्चे के पेरेंट्स से भी इफेक्ट होते हैं। द होम इन्वायरमेंट जो घर का वातावरण जो है बच्चे के लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। हेरिडिटी जीन्स भी जो है बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट पर प्रभाव करते हैं। इसके बाद है सेक्स डिफरेंस, ठीक है, ये भी जो है बच्चे के जो है मेंटल डेवलपमेंट पर प्रभाव करता है। आफ्टर बर्थ कल्चरल फोर्सेस जो है बाहर के जो भी फोर्सेस होती हैं कल्चरल फोर्सेस वो इन्फ्लुएंस करती हैं मेंटल डेवलपमेंट को, बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट को, ठीक है। नीड ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, अचीवमेंट किस कौन कौन सी उसने अचीवमेंट करी है, मोटिवेशन उसका मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वह बुद्धि का विकास, ये भी जो है मेंटल डेवलपमेंट को प्रभाव करते हैं। जैसे जो है अकॉर्डिंग टू रिसर्च के अनुसार टीचर्स एक्सपेक्टेशंस जो है टीचर की एक्सपेक्टेशन अफेक्ट करती है मेंटल डेवलपमेंट, क्योंकि जो है टीचर जो है एक बच्चे की ओर ज़्यादा टेंशन देता है और बाकी बच्चों की ओर नहीं देता, इससे जो है बच्चे के अंदर एक प्रकार का मेंटल डेवलपमेंट में इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। इसके बाद है स्कूल, स्कूल भी मेंटल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, ठीक है, कैसे करता है, टीचर्स पर्सनैलिटी टीचिंग मेथड, टीचर का जो है पर्सनैलिटी, ठीक है, टीचिंग मेथड टीचर का पढ़ाने का तरीका, सिलेबस है और को करिकुलर एक्टिविटीज़ और जो भी वहाँ पर जो है एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं वो भी जो है मेंटल डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। जो फैमिली का एनवायरनमेंट है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, फैमिली का जो है समाज में क्या दर्जा है, ठीक है, ये भी जो है मेंटल डेवलपमेंट को प्रभाव करता है, ठीक है। द फैमिली विद साउंड इकोनॉमिक कंडीशन, जिस फैमिली के पास जो है अच्छी इकोनॉमिक स्टेटस होता है, ठीक है, उस बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। इट इज़ बिकॉज द चिल्ड्रन ऑफ हायर सोशल स्टेटस हैव ऑल द मीन्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समाज में जो है उनका नाम होता है, तो जिससे बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मैलएडजस्टमेंट, जितने भी जो है लड़ाई झगड़े और द्वंद्व होते हैं वो भी जो है बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट पर प्रभावित करते हैं, ठीक है। द स्कूल के और जो है घरेलू झगड़े बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट पर एक नेगेटिव प्रभाव डालते हैं, ये जो है बच्चे के अंदर टेंशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके बाद है फैमिली भी जो है बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, फैमिली में क्या डिस्कशंस होते हैं, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ बुक्स, किस प्रकार की बुक पढ़ी जाती हैं, ठीक है, मैगजीन किस प्रकार की पढ़ी जाती हैं, ये भी जो है बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है, जिम्मेदार होती हैं। फिज़िकल ग्रोथ भी जो है बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, अगर मान लें बच्चा फिज़िकली फिट है तो वो मेंटली भी फिट होगा, ठीक है। इन्वायरमेंट वातावरण भी जो है आसपास का बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट, कौन कौन से फैक्टर इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, स्कूल इन्वायरमेंट, स्कूल का वातावरण जो है अहम रोल रखता है मेंटल डेवलपमेंट को प्रभावित करने में, ठीक है। द टीचिंग मेथड, टीचर का जो है पढ़ाने का मेथड और जो है कौन कौन सी सिलेबस में एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं ये सब भी जो है इमोशंस को प्रभावित करती हैं। इसके बाद है फैमिली का नेबरहुड का इन्वायरमेंट, आस पड़ोस का और फैमिली का इन्वायरमेंट भी जो है बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। अगर फैमिली का नेगेटिव एटीट्यूड है, तो फैमिली में सही ढंग से माहौल नहीं है, तो जो है इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे का प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। हेल्थ और जो है फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है और जो है शारीरिक विकास कहता है, ये भी जो है फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। समटाइम्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल और बाहरी और जो है अंदरूनी डिफेक्ट्स जो है कमियां जो है फिजिकल डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करती हैं, क्योंकि जो है मैनी चिल्ड्रन बिकम अनस्टेबल हो जाते हैं, किस लिए, ड्यू टू दिस डिसीज़ और जो है बैड हेल्थ, डिसीज़ और जो है बैड हेल्थ के कारण भी जो है फिज़िकल डेवलपमेंट तो प्रभावित होता ही होता है,
साथ के साथ जो है बच्चे के इमोशंस भी प्रभावित हो जाते हैं। इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी, इमोशनल डिस्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशंस, इमोशंस के जितने भी जो है डिस्ट्रेस, इमोशन में जितने भी कमियां देखी जाती हैं वो किस लिए देखी जाती हैं, बच्चे के इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी के कारण। अनहैप्पी बच्चा अगर उदास होकर किसी टास्क को करेगा तो उस पर मन नहीं लग पाएगा उसका, ठीक है। एज, एज से भी जो है इमोशनल डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर मान ले एज आल्सो अफेक्ट्स करती है इमोशंस को, जैसे बड़ा एज होगी तो इमोशंस में मैच्योरिटी आ जाएगी। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक जो है विकास, ये भी जो है इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। अगर एक बच्चा जो है सामाजिक में डेवलप कर चुका है तो वो इमोशंस में भी डेवलप कर चुका होगा, ऐसा मान लिया जाता है, ठीक है। एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का किस प्रभाव का एटीट्यूड है, ये भी बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। सम एटीट्यूड्स और बिहेवियर ऑफ द पेरेंट्स जो है कंट्रीब्यूट इन डेवलपिंग अनडेजरेबल इमोशनल बिहेवियर्स ऑफ द चिल्ड्रन। अगर बच्चे के माता पिता उसको नकारते हैं, उसको बात बात पे उस पर गुस्सा होते हैं, बात बात पे उस पर गुस्सा होते हैं, तो ये सब जो है नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ इमोशंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। फिर है फैटिग, ये भी एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें जो है इमोशंस प्रभावित हो जाती हैं और बच्चा बात बात पे एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, ठीक है। बिहेवियर प्रॉब्लम्स, बिहेवियर में कौन कौन जो प्रॉब्लम आती है वो उससे भी जो है इमोशंस डेवलपमेंट इफेक्ट होता है। जैसे इन मैनी सिचुएशंस द एडोलेसेंट्स फेल टू गेट अ प्रोफेशंस, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें जो है जो किशोर अवस्था में बच्चे अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और उदास बने रहते हैं, जिससे जो है इमोशंस बिगड़ जाते हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं सामाजिक विकास को, फैमिली, फैमिली भी जो है समाज में विकास को प्रभावित करती है बच्चे के। तो साइज ऑफ द फैमिली, साइज जो है फैमिली का साइज कितना बड़ा है, फादर मदर के माता पिता के संबंध कैसे हैं, उनका जो है बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, और जो है उनकी जो है इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, समाज में किस प्रकार की जो है उनकी इकोनॉमिक स्टेटस है, और फैमिली सोशल स्टेटस समाज में किस प्रकार का सामाजिक स्टेटस है, और सोशल ट्रेडिशंस कस्टम्स क्या क्या जो है वो रीति रिवाज करते हैं समाज में, ये भी जो है बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट को तो इफेक्ट करते ही करते हैं, साथ के साथ उसके सोशल डेवलपमेंट को भी प्रभावित कर जाते हैं, ठीक है। स्कूल, स्कूल भी जो है बच्चे के मेंटल को भी करता है और जो है इमोशनल को भी करता है और सोशल डेवलपमेंट को भी इफेक्ट करता है। तो प्रोग्राम्स रनिंग इन द स्कूल, स्कूल में जो है जो कौन कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, क्या क्या कार्य करवाया जाता है, सोशल एट्रीब्यूट्स ऑफ द टीचर्स, टीचर का किस प्रकार का व्यवहार है, एंड द स्टूडेंट्स एंड देयर सोशल बिहेवियर, और जो है टीचर का बिहेवियर भी जो है स्टूडेंट का बिहेवियर भी जो है बच्चे के सोशल सामाजिक जो है विकास के बिहेवियर को अफेक्ट करता है। इमोशनल डेवलपमेंट, अगर इमोशनल डेवलपमेंट जो है बच्चे के सोशली डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करता है, सामाजिक विकास को भी प्रभावित करता है। अगर एक बच्चा जो है इमोशंस में खरा उतरा है तो वो सोशल में भी समाज में भी खड़ा उतरेगा, ठीक है। ऐसे ही उसमें था सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में, अगर बच्चा एक जो है सोशली डेवलप्ड है तो वो इमोशनली भी डेवलप्ड होएगा, ठीक है। फिज़िकल हेल्थ, ठीक है, फिज़िकल हेल्थ भी जो है बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करती है और किसको करती है, सोशल डेवलपमेंट को भी, ठीक है। अनहेल्थी चिल्ड्रन है मैनी इनफेरिटी, ठीक है, कम्प्लेक्सीज, अगर मान ली बच्चा अस्वस्थ है तो जो है उसको जो है समाज में भी कोई जगह नहीं मिलती, ठीक है। कम्युनिटी इन्फ्लुएंसेस, ग्रुप के जो है समाज के, ग्रुप के जो है संगठन के इन्फ्लुएंस प्रभाव पड़ते हैं इमोशनल डेवलपमेंट पर, कैसे पड़ते हैं, ईमानदारी और जो है माता पिता का आदर करना, ये सब हमें समाज से ही सीखने को मिलता है, ठीक है। इन्फ्लुएंसेस ऑफ प्लेमेट्स, सहपाठी, उसके जो है सहकर्मी, ये भी जो है इन्फ्लुएंस करते हैं
बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को, क्योंकि जो है सबसे पहले बच्चा इन्हीं से सीखता है, उसकी पर्सनैलिटी का विकास भी इन्हीं को देखते के होता है, उसके फ्रेंड्स का क्या एटीट्यूड है, जिसके साथ खेलता है वो क्या, वो कैसे बोलते हैं, ये ही उसकी पर्सनैलिटी की नींव रखते हैं। ठीक है, इसके बाद है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है, ए पर्सन कैन वैल्यूएट हिमसेल्फ इन द सोसाइटी एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वुड आल्सो बी सोशली डेवलपमेंट। ठीक है, अगर उसका बुद्धि पर अपनी कंट्रोल है, ठीक है, भावों पर कंट्रोल है, तो वो जो है सोशली भी डेवलप्ड है। इन्फ्लुएंसेस ऑफ रिलीजियंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो है, जितने भी जो है धर्म कर्म के कर्मकांड होते हैं, ये सब जो है बच्चे के सोशल डेवलपमेंट पर भी प्रभाव करते हैं। ठीक है, जो भी हम उसे मोरल वैल्यू सिखाएंगे वो बच्चे के सोशल डेवलपमेंट पर प्रभाव करेंगी। ठीक है, मींस ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन जो है, टीवी मनोरंजन के साधन और जो है इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से साधनों से मिलती है, ये भी बच्चे के इमोशनल और जो है सोशल डेवलपमेंट दोनों पर प्रभावित करते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट टू कीप एन आई जो है बच्चे के जो है एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन के माध्यमों पर हमें नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि जो है यही एक मात्र ऐसे साधन होते हैं जो बच्चे की पर्सनैलिटी का खूब पूर्ण विकास करने में काम आते हैं। इन चीज़ें ज़्यादातर पर्सनैलिटी का हिस्सा जो है डेवलप होता है, और जो है रेडियो, मैगजीन, बुक्स, टेलीविज़न, सिनेमा, न्यूज़पेपर ये सब जो है इनमें इंक्लूड है। लोकेलिटी इन्फ्लुएंसेस, लोकल लोग किस प्रकार की बातें करते हैं, ये भी जो है सोशली डेवलप्ड करने में काम आता है बच्चे को। लोकेलिटी गिव्स द नॉलेज ऑफ द लेवल ऑफ द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन, आसपास के लोग ही बता देते हैं कि भाई जो है बच्चे का एट्रीब्यूट, बच्चे के जो है किस प्रकार के भाव डेवलप हुए होंगे। मैनी पर्सनैलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है इसी से आती हैं। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जो है समाज में किस प्रकार की जगह है, ये भी जो है बच्चे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। जो है सोशल इकोनॉमिक फ्लेवर स्टेटस भी करता है। इसके बाद है पेरेंटल ऑक्यूपेशन, माता पिता का क्या व्यवसाय है, ये भी बच्चे की सोशल रिस्पेक्ट दिलाता है। ठीक है, सिबलिंग इन्फ्लुएंसेस जो है, भाई बहनों का जो है प्रभाव भी पड़ता है सोशल रिलेशनशिप का भी। ठीक है, इसके बाद है साइड ऑफ द फैमिली, परिवार का, परिवार के जो है कितने मेंबर रहते हैं, और परिवार के हर एक मेंबर की जो है पर्सनैलिटी का बच्चे की जो है समाज में पर्सनैलिटी पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो है पर्सनैलिटी द हाई द जो भी जो है हायर फैमिलीज होती हैं, जिनके पास जो है अच्छा स्टेटस होता है, उनका जो है लोअर फैमिलीज के बच्चों से अच्छा स्टेटस होता है, सोशल स्टेटस भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, हेरिडिटी या जीन्स भी जो है बच्चे के सोशल स्टेटस को प्रभावित करते हैं, समाज में विकास कैसे करेगा ये भी प्रभावित डिसाइड करते हैं हल्का हल्का। ठीक है, इसके बाद है ग्रुप इन्फ्लुएंसेस जो है, बच्चे के ग्रुप में मतलब बच्चे के साथ जो है टीम में कौन कौन से लोग खेलते हैं, कौन कौन से उसके साथ आते जाते हैं, ये भी जो है बच्चे की जो है समाज में बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या है, डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, व्हाट इज ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, क्या चीज़ है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में जो है हम एक पर्सन के कनेक्टेड बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं, जैसे कि उसका केयरिंग करना, प्यार देना और उसका एंगेज, सारे भाव जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यही बस पता लगाना होता है। ठीक है, इसको ही हम स्टडी करते हैं, मतलब पूरे पर्सन की स्टडी को हम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कह सकते हैं। ठीक है, बेसिक टीनेट्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के जो है, मानवता साइकोलॉजी के जो है बेसिक टीनेट्स कौन कौन से हैं, इसमें जो है ए ह्यूमन बीइंग इज मोर देन जस्ट ए सम ऑफ हिज और हर पार्ट्स, वो अपने जो है बॉडी के पार्ट्स के अलावा भी और कुछ है। ठीक है, ए पर्सन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज और हर एनवायरनमेंट, एक पर्सन के एक लोग के जो है बिहेवियर
जो है इन्वायरमेंट से भी जो है प्रभावित होता है, आसपास के वातावरण से, ठीक है। ह्यूमन बीइंग हैव इंटेंशनल गोल, एक जो है ह्यूमन बीइंग है, मानव है जो, उसके जो है अपने ही कुछ गोल होते हैं, ठीक है। एंड सीक टू क्रिएट मीनिंग इन लाइफ, और उसका जो है अर्थ होता है अपनी लाइफ में कुछ बनाना, ठीक है, इन इन लक्ष्यों को पूरा करके अपनी लाइफ में कुछ बनाना, ठीक है। कार्ल रोजर्स, कार्ल रोजर्स क्या कहते हैं, कार्ल रोजर्स कहते हैं कि जो है तीन कंडीशन है थेरेपेटिक इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने की जो जो है उसके जो है क्लाइंट के बिहेवियर को सपोर्ट करे, ठीक है। ऐसा एक बिहेवियर इन्होंने कहा था, थेरेपेटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ठीक है। पहली कंडीशन है, द फर्स्ट कंडीशन इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है जिसमें हम क्या करते हैं, इट इम्प्लाइज दैट द थेरेपिस्ट शुड अफर्म द क्लाइंट्स वर्थ एज अ ह्यूमन बींग, थेरेपिस्ट जो है जो भी एक्सपेरिमेंट करने वाला है उसको क्या करना चाहिए, क्लाइंट जिस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसे जो है एक ह्यूमन बींग समझे सबसे पहले तो, ठीक है। द सेकेंड इज इम्फैटिक अंडरस्टैंडिंग, इम्फैटिक अंडरस्टैंडिंग, इम्फैटिक अंडरस्टैंडिंग जो है सूझबूझ रखे, इम्फैटिक अंडरस्टैंडिंग भी रखे। इसके बाद जो है एबिलिटी ऑफ द थेरेपिस्ट टू कम्प्रहेंड द क्लाइंट्स एक्सपीरियंस, इम्फैटिक होते हैं क्लाइंट्स की एक्सपीरियंस की जानकारी रखे, इमोशंस की रखे और जो है थॉट्स की भी जानकारी रखे। इसके बाद थर्ड इज कॉन्ग्रेंस, थर्ड कंडीशन है कॉन्ग्रेंस की कंडीशन, इसमें क्या है एथनिसिटी ऑफ थेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट की एथनिसिटी की भी जो है जानकारी रखे। ब्राह्म मसलो जो है अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की डेफिनेशन के लिए जाने जाते हैं, और ब्राह्म मसलो ने जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को जो है एक डिज़ायर, एक इच्छा और एक जो है मोटिवेशन का है, पर्सनल की जो है डिज़ायर को जानने का, एक आदमी की अंदरूनी कितनी कैपेसिटी है इसको जानने का एक डिज़ायर है, एक मोटिवेशन है, क्या चीज़, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद का जो है एक्चुअलाइजेशन करना, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ही बिलीव्ड इन द क्वालिटीज विच वर कॉमन अमंग ऑल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो उस क्वालिटीज में लोग जो है बिलीव करते हैं, जो है विश्वास रखते हैं, जो सारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में कॉमन है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ह्यूमन पोटेंशियल, ये जो है एक्सेप्ट करती है कुछ भी पर जो प्रेजेंट हो और भले ही वो डिसऑर्डर के अंदर क्यों ना हो। क्लाइंट सेंटर, ये क्या कहती है, क्लाइंट को जो है अप्रोच करना चाहिए कुछ भी वर्क को करने का, मगर किस तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से। वीकनेस, वीकनेस क्या है इसकी, मेजरिंग एफिशिएंसी, मेजरिंग एफिशिएंसी इसकी वीकनेस है। ये जो है इंस्टीट्यूशनल लेवल पर अपनी गोल को खो देती है, ठीक है। वन साइडनेस, इसमें क्या होगा, लैक ऑफ इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की कमी आ जाएगी, एक साथ काम नहीं कर पाएंगे क्लाइंट और जो है जो भी काम करवाने वाला है थेरेपिस्ट, वो जो है एक साथ काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पाइगेट्स थ्योरी ऑफ कोजिनेटिव डेवलपमेंट, पाइगेट थ्योरी क्या है कोजिनेटिव डेवलपमेंट की, व्हाट डू यू मीन बाय कोजिनेटिव डेवलपमेंट से क्या समझते हैं आप, और डिस्क्राइब पाइगेट कोजिनेटिव डेवलपमेंट की थ्योरी बताओ, मीनिंग है इस कोजिनेटिव डेवलपमेंट का कि कोजिनेटिव डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट का डेवलपमेंट, कॉन्शियस थॉट का डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी दैट बिगिंस इन इन्फेंसी, जो है इन्फेंसी में शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसका डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट और जो है कॉन्शियस थॉट का डेवलपमेंट कोजिनेटिव डेवलपमेंट में इंक्लूड होता है, ठीक है। पाइगेट्स कोजिनेटिव डेवलपमेंट थ्योरी अकर्स इन ए सीरीज ऑफ फोर डिस्टिंक्ट यूनिवर्सल स्टेजेस, ये चार स्टेजेस में कोजिनेटिव डेवलपमेंट की होता है पाइगेट के अनुसार। सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, स्टेज में क्या होता है, इसमें चिल्ड्रन बिगेन टू यूज़ इमिटेशन, इमिटेशन मेमोरी और जो है थॉट डेवलप करना शुरू करते हैं बच्चे, हैं
दे बिगेन टू रिकोगनाइज दैट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट सीज टू एग्जिस्ट। ये जो है समझना शुरू हो जाते हैं बच्चे कि जो है ऑब्जेक्ट जब उनके आगे से हटा लिया जाता है कि ऑब्जेक्ट हमारे से हटा लिया गया, दे मूव फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शंस टू जो है गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, चिल्ड्रन ग्रेजुअली डेवलप लैंग्वेज, लैंग्वेज का विकास हो जाता है, भाषा का विकास हो जाता है, एंड एबिलिटी टू थिंक इन सिंबलिक फॉर्म, और जो है मोर जो है इनकी थिंकिंग जो है कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इसमें जो है सिंबलिक फॉर्म में भी वो सीखना शुरू हो जाते हैं, इसमें जो है दे आर एबल टू थिंक ऑपरेशंस और जो है लॉजिकली इन वन डायरेक्शन में सीखना शुरू हो जाते हैं। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, चिल्ड्रन आर एबल टू सोल्व, हाथों के पोटों पर जो है बच्चे प्रॉब्लम को सोल्व करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दे अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ जो है कंजर्वेशन का लॉ, और जो है क्लासीफाई करना शुरू कर देते हैं और सैरिएट भी शुरू कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंस समझना शुरू हो जाते हैं चीज़ों के बीच में, रिवर्सिबिलिटी का फॉर्मूला सीख जाते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन सीख जाते हैं, और जो है हाथों के पोटों पर प्रॉब्लम को सोल्व करना शुरू हो जाते हैं, उंगलियों पर शुरू करने देते हैं। ठीक है, इसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें चिल्ड्रन आर एबल टू सोल्व ऑब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम, ऑब्स्ट्रैक्ट जो है मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है लॉजिकल फैशन में सही ढंग से कॉपी के ऊपर जो है बिना गिनती करे भी बच्चा सीख जाता है कि टू बंदा टू, और इसके बाद बड़े बड़े टेबल भी पहाड़े भी सीख जाता है। ठीक है, साइंटिफिक तरीके से सोचता है बच्चा हर एक चीज़ को। इसमें जो है दे डेवलप कंसर्न्स, बुद्धि की समझ में आ जाती है, सोच समझ आ जाती है, और साथ में जो है सोशल इशू, सामाजिक समाज में उसका क्या क्या दर्जा है, और जो है अब अपने अधिकारों के बारे में और आइडेंटिटी अपनी पहचान के बारे में सब सीख जाता है। ठीक है, इसके बाद है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, पाइगेट थ्योरी, पाइगेट की थ्योरी की इम्प्लीकेशन कहाँ कहाँ होंगी। ये जो है फोकस करती है बच्चे के एक जो है प्रोसेस पर फोकस करती है, यह फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग पर, नॉट जस्ट प्रोडक्ट, उसके रिजल्ट पर फोकस नहीं करती पर किस तरह से सोचे ये बताती है, सेंसरी मोटर स्टेज ऐसे बस थिंकिंग पर फोकस करती है। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, हर एक के इंडिविजुअल डिफरेंस पर भी ध्यान रखती है। ठीक है, इन डेवलपमेंटल प्रोसेस,